हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपनी लॉ के अंदर कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ डिबेंचर एंड चार्ज पार्ट 3 करेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि कैसे हम डिबेंचर होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्रिएट करते हैं, कैसे हम ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं। जो एक कंपनी है वो सिक्योर डिबेंचर इशू कर सकती है। जो सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं उनका हमेशा चार्ज क्रिएटेड होता है, फिक्स चार्ज होता है या फ्लोटिंग चार्ज होता है। जो चार्ज का मतलब होता है इंटरेस्ट। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जाती, यहाँ पे जो पोजेशन होता है वो भी डेटर के पास होता है, एक राइट क्रिएट किया जाता है। चार्ज के अंदर मोड केस भी आ जाता है, लियन भी आ जाता है। अदर इक्विटेबल चार्ज का मतलब होता है कि यहाँ पे जब जो डेटर है वो क्रेडिटर का एक स्पेसिफिक जो राइट ऑफ पेमेंट का है वो क्रिएट करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि क्रेडिटर अपने राइट को कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कर सकता है। चार्ज जो होता है वो दो तरह का होता है, एक फिक्स चार्ज होता है, एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। देखो जो फिक्स चार्ज होता है यहाँ पे ये स्पेसिफिक और असर्टेन प्रॉपर्टी के ऊपर होता है, ये जनरली फिक्स एसेट के ऊपर होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी उस वक्त एग्जिस्ट करे, प्रॉपर्टी फ्यूचर के अंदर भी आ सकती है एग्जिस्टेंस में, जैसे एयरक्राफ्ट है या शिप है या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इरिवोकेबल होता है। और यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर की कंसेंट के साथ ही कंपनी इस प्रॉपर्टी के साथ डील कर सकती है, उनकी कंसेंट लिए बिना ना डील कर सकती है ना सेल कर सकती है। और अगर कंपनी जो है वाइंडिंग अप में चली जाती है तो डिबेंचर होल्डर जो होता है, क्योंकि उनका फिक्स चार्ज होता है स्पेसिफाइड एसेट के ऊपर होता है, तो ये हाईएस्ट रैंकिंग क्लास ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं, इनकी प्रायोरिटी होती है सारे जो होते हैं। जो अनसिक्योर क्रेडिटर्स होते हैं उनका कोई मतलब सिक्योर नहीं होता, चार्ज नहीं क्रिएटेड होता, वो अनसिक्योर क्रेडिटर की श्रेणी में आते हैं। उसी तरह जो फ्लोटिंग चार्ज होता है, जो फ्लोटिंग चार्ज होता है ये बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ कंपनीज़ को अवेलेबल होता है, किसी और पर्सन या एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन को अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके ऊपर नहीं होता, यहाँ पे या तो प्रेजेंट एसेट के ऊपर होता है, फ्यूचर एसेट के ऊपर भी होता है। और ये जो प्रॉपर्टी कवर करता है ये इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, और कंपनी जो है इसको जैसे मर्जी डील कर सकती है, सेल कर सकती है। ये उसी सिचुएशन के अंदर फिक्स होता है जब कोई स्पेसिफाइड इवेंट जो है अकर करता है। फिर उसके पास एक टेस्ट है कि ये फिक्स चार्ज है कि फ्लोटिंग चार्ज है। जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा चार्ज क्रिएट किया जाता है उसकी वर्डिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे इंडस फोलम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, यहाँ पे एक फिल्म कंपनी थी, उसने पैसे उधार लिए थे, उसने लियन जो था ऑल दी एसेट इंक्लूडिंग मशीनरी और जो फ्यूचर के अंदर एसेट्स आएंगी जब तक कि रीपेमेंट नहीं हो जाती, तो इसको फ्लोटिंग चार्ज ही माना गया था, क्योंकि इसने प्रेजेंट और फ्यूचर जो फ्लक्चुएटिंग नेचर की थी उनको भी कवर किया था, तो इसलिए ये फिक्स चार्ज नहीं था, ये फ्लोटिंग चार्ज था। देखो जब भी ये टेस्ट करना है कि ये फिक्स्ड है कि फ्लोटिंग है, सबसे पहले हमने देखना है इज़ इट ए चार्ज अपॉन ऑल और सर्टेन क्लास ऑफ एसेट प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर देखो प्रेजेंट भी है फ्यूचर भी है तो ये फ्लोटिंग है, अगर ये स्पेसिफाइड एसेट के ऊपर है तो ये फिक्स चार्ज है। और यहाँ पे क्या है कि अगर ये जो चार्जेबल प्रॉपर्टी है ये चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, तो ये फ्लोटिंग चार्ज है। और अगर कंपनी के पास पावर है जैसा चाहे मर्जी डील कर सकती है, सेल कर सकती है, तो भी ये फ्लोटिंग चार्ज है। देखो जब भी कंपनी जो है फिक्स चार्ज क्रिएट करती है या फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करती है, अगर फ्लोटिंग चार्ज बाद में क्रिएट किया जाता है तो फिक्स चार्ज की हमेशा उसके ऊपर प्रायोरिटी होती है। बट अगर फ्लोटिंग चार्ज पहले है, फिक्स चार्ज बाद में करवाया है और फ्लोटिंग चार्ज फिक्स हो जाता है, तो फिर फ्लोटिंग चार्ज की प्रायोरिटी होती है। अदरवाइज़ क्या है कि नेचुरली कंपनी कभी भी जो है फिक्स चार्ज नहीं क्रिएट कर सकती कि ये कहे कि जो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स हो गया है तो फिक्स चार्ज जो बाद में किया गया है उसकी प्रायोरिटी रहेगी। हाँ ये है कि अगर फिक्स चार्ज क्रिएट किया गया पहले तो उसकी हमेशा फ्लोटिंग चार्ज के ऊपर हमेशा एच होता है, उसकी प्रायोरिटी होती है। फिर है कि कब फ्लोटिंग चार्ज जो होता है फिक्स्ड होता है। देखो फ्लोटिंग चार्ज जो होता है फ्लोट करता रहता है, कंपनी जो है एसेट को जैसा मर्जी चाहे डील करती रहती है। जब कंपनी अपना बिजनेस बंद कर देती है या लिक्विडेशन में चली जाती है या जो प्रिंसिपल मनी है या इंटरेस्ट है उसका डिफ़ॉल्ट करती है और डिबेंचर होल्डर जो है कोर्ट के अंदर चले जाते हैं
और जब क्या होता है कि रिसीवर जो होता है अपॉइंट किया जाता है, उस वक्त फ्लोटिंग चार्ज जो होता है फिक्स चार्ज के अंदर क्रिएट हो जाता है। उसी तरह ही देखो डिफरेंस है, फिक्स चार्ज जो होता है स्पेसिफिक एसेट के ऊपर होता है, यहाँ पे कंपनी जो है डिबेंचर होल्डर की कंसेंट के बिना डील या सेल नहीं कर सकती, और ये फ्लोटिंग चार्ज से प्रायोरिटी में होता है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड एसेट होती है। फ्लोटिंग चार्ज जो होता है मूवेबल गुड्स पे होता है, फ्लक्चुएटिंग गुड्स पे होता है, कंपनी जैसा मर्जी डील और सेल कर सकती है। कुछ स्पेसिफाइड इवेंट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कंपनी स्टॉप कर देती है या लिक्विडेशन में चली जाती है तो उस सिचुएशन के अंदर ये फिक्स हो जाता है। और अगर वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से 12 मंथ प्रिसीडिंग अगर कोई फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, तो वो इनवैलिड और वॉइड होता है। उसी तरह देखो जो सेक्शन 77 है वो स्पेसिफाई करता है 9 चार्जेस जिनको बहुत कंपलसरी होता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन करवानी जो होती है कंपलसरी होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। ए चार्ज फॉर सिक्योरिंग एनी इश्यू ऑफ डिबेंचर, ए चार्ज ऑन एनी अनकॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ए चार्ज ऑन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ए चार्ज ऑन द बुक डेट ऑफ द कंपनी, ए चार्ज बिंग नॉट बिंग प्लेज ऑन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, फ्लोटिंग चार्ज, ए चार्ज ऑन कॉल्स बट मेड बट नॉट पेड, ए चार्ज ऑन शिप और शेयर इन शिप, ए चार्ज ऑन गुडविल, पेटेंट लाइसेंस और ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। इन सारे जो 9 चार्जेस हैं इनकी रजिस्ट्रेशन जो है कंपल्सरी है। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। देखो नेचुरली इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंपनी कि वो रजिस्ट्रार को जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है और प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर जो है अप्लाई करे विद इन 30 डेज़ के अंदर, या जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, लेकिन वो कंपनी से जो कोई भी उसने फीस पे की है वो उससे रिकवर कर सकती है। जब भी चार्ज क्रिएट किया जाता है तो विद इन 30 डेज़ के अंदर क्या होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास स्पेसिफाइड फॉर्म के अंदर और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर क्या है कि कितना अमाउंट, जिसके अंदर प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और जो पर्सन जिनको इंटाइटलमेंट दी गई है और उनकी जो डिटेल वगैरह जो है दी जाती है। और जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है ये 30 डेज़ की फर्दर एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो एडिशनल फ़ी चार्ज कर सकता है, बट ये जो शेड्यूल 10 के अंदर जितनी फ़ीस स्पेसिफाई की गई है उसके 10 टाइम से ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकता। और कंपनी या इंटरेस्टेड पर्सन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अप्लाई कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लगता है कि ये जो डिले था जेन्युइन था तो वहाँ पे उनको और एक्सटेंडेड पीरियड दे देती है। कई बार क्या होता है कि जैसे चार्ज क्रिएट किया जाता है उसको मॉडिफाई किया जाता है तो उसकी मॉडिफिकेशन जो है उसकी डिटेल भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भेजनी ज़रूरी होती है, और वो सारी प्रोविज़न जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। उसके बाद ये है कि अगर देखो चार्ज जो है रजिस्टर नहीं होता तो अगर कंपनी जो है लिक्विडेशन के अंदर चली जाती है तो ये चार्ज जो होता है वॉइड होता है, ना तो लिक्विडेटर इसके अगेंस्ट कुछ कर सकता है ना ही क्रेडिटर कुछ कर सकते हैं। चार्ज ये नहीं होता कि अगर चार्ज रजिस्टर नहीं किया हो गया तो वो ट्रांजेक्शन वॉइड है, अगर कंपनी लिक्विडेशन में नहीं जाती तो वो जो ट्रांजेक्शन होती है वैलिड होती है। ये सिर्फ तभी उसी सिचुएशन के अंदर वॉइड या इनवैलिड होता है जब क्या होता है कि ये कंपनी जो है लिक्विडेशन में चली जाती है। उसी तरह क्या होता है कि कंपनी जो है रजिस्टर ऑफ चार्जेस जो है मेंटेन करती है, एक रजिस्ट्रार के पास भी रजिस्टर रखा जाता है और कंपनी भी जो है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर रजिस्टर ऑफ चार्जेस जो है मेंटेन करती है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डालती है। उसी तरह क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे कंपनी जो है रजिस्ट्रार को नोटिस भेजती है कि उसने फुल पेमेंट कर दी है, सेटिस्फाई कर दिया है, जब उसका सेटिस्फाई हो जाता है विद इन 30 डेज़ तो रजिस्ट्रार जो है पार्टी को 14 डेज़ का टाइम देता है कि उसके अंदर शो कॉज नोटिस इशू करता है कि क्यों इसको ये फैक्ट को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई आंसर नहीं आता तो वो जो है उसको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि ये चार्ज जो है सेटिस्फाई हो गया है।